भारतीय जनता दल की ओर से 232 विधानसभा बेलागंज के क्षेत्र से हमको सिंबल निर्माण अलॉटमेंट हुआ है और टिकट प्राप्त हुआ है, तो आज हम अपना विधिवत सरकारी तौर पर नॉमिनेशन दायर किए हैं। और जो नॉमिनेशन हमारा DDC साहब जो लिए हैं वो संतुष्ट और उन्हें आश्वासन दिया कि फिर भी इसको हम एक बार और जांच कर लेंगे, पर ऐसे नॉमिनेशन आपका सही है। सर, आपके राजनीतिक शीर्ष से ही चुनौती मिल रही है ऐसा लोग बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले बच्चा रहता है, फिर गुरुजी बनता है, फिर हेडमास्टर बनता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और जो बच्चा रहता है वही एक दिन जवान होता है, जवान बनकर सब कुछ करता है। हमको अफसोस नहीं है कि हमारा शिष्य जो हमारे खिलाफ खड़ा हुए हैं उसको भी किसी पार्टी से बनाया गया है मेंबर। तो प्रतिनिधि के रूप में बेचारा आया है, तो प्रतिनिधि में उस पार्टी के लोग उसको सिंबल दिया है, तो उसको लड़ना ही ना है। जहाँ आदेश होगा पार्टी के लड़ना है। अगर हमारा पार्टी कहीं हमको और भेज दे तो हमको तो जाना है। समझ जाइए कि एक तरह से पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो जो आला कमान के और पार्टी का आदेश होता है वहाँ जाना ही जाना है। तो उसमें कोई अफसोस की बात और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा छोटा भाई है और हम उसको बड़ा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं और देते रहेंगे, उस पर कोई दो राय नहीं है। और ऐसे भी जिस विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ 30 साल हमारा कैरियर रहा है और उन उम्मीदवार के रूप में 30 साल सेवा की है जनता के बीच में। तो लोग हमको जानते हैं बेला में, बेला में कोई झमेला नहीं है। बेला में वहाँ के जो मालिक लोग हैं अपने आप में अलबेला है और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया। और हम समझते हैं कि विधानसभा में कुछ तो स्वर्ग के स्टेडियम नहीं लगा है, पर अपने जानते हैं हमारा जितना चल सकता था, बन सकता था, उस क्षेत्र को हमने सजाया है, बनाया है, किया भी। जब हम 90 में वहाँ चुनाव लड़के विजय, हम मालिक लोग जो हमारे हैं बेला विधानसभा क्षेत्र के जनता, तो 90 में हमको जब प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करके आशीर्वाद दिया और चुनाव हम विजयी हुए, तब बड़ा दयनीय स्थिति था। आज आप लोग गए थे हमारा पता लगाने के लिए, तो हम नहीं देखे, हम झूठ नहीं बोलते। तो बाद में हमको एक आदमी धन्यवाद और बधाई दे रहा था कि आपका क्षेत्र में कोई लुक्स नहीं निकला, कोई कमेंट नहीं हुआ, कोई आपका खिलाफ नहीं बोला। बोला बिहार कैसा है, एक लौटा लेता है जो आपके खिलाफ कमेंट किया लोगों ने। और बाकी आपको भी सेवा करते हैं, आप लोग भी जब बुरा दिन आपका आता है किसी तरह का तो हमको याद करते हैं। हम भी अपना परिवार की तरह, छोटा भाई की तरह आपको ही मदद में हम खड़ा रहते हैं और करते रहेंगे। आप एक कद्दावर नेता हैं और वो शिष्य है आपका, तो शिष्य भी काफ़ी मजबूत होगा। जब आप मजबूत हैं तो वो भी काफ़ी मजबूत होगा। हमने कहा कि जो हमारा अनुज है, छोटा भाई है, तो इसे चुनौती के रूप में ले रहे हैं या फिर वो भाईबंदी के रूप में ले रहे हैं? देखिए, चुनौती के रूप में हो जाएगा तो दुश्मनी हो जाएगा, परिवार के रूप में रहिए तो अच्छा से बंटवारा होगा। जी सर, 1990 में चुनाव लड़े थे, उसमें युवा थे, काफी उत्साह लवरेज होगा। अभी 2020 का अभी आपको बुढ़ा नजर आ रहा है। बोलिए, आपसे जवान है कि नहीं है? सर, उस समय क्या चुनौतियां रहती थी और अभी क्या चुनौतियां आपके सामने? उस समय चुनौती रहता था सबसे ज्यादा था बिजली का, रोड का, ड्रिंकिंग वाटर का और शिक्षा का, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा समस्या था। और उस समय सब चीज़ में जर्जर ही था। आप जाके देख लीजिए, आधुनिक थाना है, आधुनिक हॉस्पिटल है, आधुनिक रोड है, आधुनिक बिजलीकरण है, विद्युतीकरण है वहाँ पर। तो हम बने हैं तो उसको हम बिल्कुल अपने शरीर की तरह उसको सजा के रखें और सजा के रखें।